ये इस कहानी का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में भरत ने राजकुमारी को गगासुर नाम के जादूगर से तो बचा लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या राजा राजकुमारी की शादी भरत से कराएंगे या नहीं। अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इसे देखने के बाद आप उसे भी देख लेना। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। महाराज, जैसा आपने बोला था, मैं राजकुमारी जी को सही सलामत आपके पास ले आया हूँ। मुझे आपकी संपत्ति में एक हिस्सा तो नहीं चाहिए, पर आप मेरा विवाह राजकुमारी जी से करा दीजिए, क्योंकि राजकुमारी जी से मैं प्रेम करने लगा हूँ। आए हाय हाय हाय, विवाह, और वो भी तुम जैसे एक गरीब से? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी राजकुमारी, जिसको मैंने फूलों की तरह पाला, उसका विवाह मैं तुमसे कराऊंगा? पर महाराज, आपने मेरा विवाह राजकुमारी से कराने का वादा किया था, और अभी आप अपनी ही बात से मुकर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है महाराज, एक राजा को अपना वादा निभाना चाहिए। राजा को ऐसे भरत की बेइज्जती करता देख राजकुमारी बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसीलिए राजकुमारी अपने पिता से कहती है, पिताजी, भरत ने हमारी जान बचाई है, उस खतरनाक जादूगर के चंगुल से हमें छुड़ाया है। पिताजी, हम भी भरत से प्रेम करने लगे हैं, वो भी फूका हुआ, हमें भरत से ही शादी करनी है। आए हाय हाय, नहीं पुत्री, ये गरीब तुम्हारे योग्य नहीं है, हम तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक राजकुमारों की लाइन लगा देंगे। नहीं पिताजी, अगर आपने हमारा विवाह भरत से नहीं कराया तो हम अपनी जान दे देंगे। राजकुमारी की जिद से राजा चिंता में आ गया। तभी राजा को बाबा की कही हुई वो बात याद आई, जिसमें बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि राजकुमारी का विवाह भरत से होगा। तभी राजा अपने मन में सोचने लगता है, अगर अभी मैंने राजकुमारी की बात नहीं मानी तो कहीं जिद में राजकुमारी कुछ गलत ना कर बैठे, क्योंकि अभी राजकुमारी इस गरीब के प्यार में अंधी हो चुकी है। मुझे एक चाल चलनी पड़ेगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है, मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है, भरत को वो सच्चे हीरो का हार राजकुमारी के लिए लाना होगा, जो पूरी दुनिया में बस एक ही है। ये तो वही हार है पिताजी, जिसे हम बचपन से पहनना चाहते थे, लेकिन पिताजी, ये तो बहुत खतरों से भरी शर्त है। नहीं नहीं पिताजी, हम भरत को वो हार लेने नहीं भेज सकते, इससे भरत की जान खतरे में पड़ जाएगी। सोच लो राजकुमारी, अगर भरत को तुमसे शादी करनी है तो भरत को वो हार लाकर साबित करना होगा कि वो तुम्हारे योग्य है भी या नहीं। अगर भरत ऐसा नहीं कर पाया तो मैं तुम्हारी शादी किसी राजकुमार से करा दूंगा। राजा की बात सुनकर राजकुमारी चुप हो जाती है और भरत राजा की शर्त को मानने के लिए तैयार हो जाता है। उस हार के बारे में भरत ने भी सुन रखा था, इसीलिए भरत सुक्की बाबा के पास जाता है और उनसे कहता है, मुझे आपकी मदद चाहिए बाबा, वो सच्चे हीरो के हार तक पहुंचने में मेरी मदद कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए बाबा कि मैं उस सच्चे हीरो के हार तक कैसे पहुंचूं। सच्चे हीरो का हार, उसे ला पाना असंभव है मेरे बच्चे, इससे पहले भी कई राजाओं, राजकुमारों और व्यापारियों ने उसे लाने की कोशिश की, पर असफल रहे और आज तक वापस नहीं लौटे, वो लोग मारे गए, कोई जिंदा नहीं बचा। ऐसी भी कौन सी जगह है वो बाबा, जहां से आज तक कोई भी जिंदा नहीं लौटा? सिमरन हू, सारे काले जादूगरों की इकलौती रानी है वो, दुनिया की सबसे बड़ी जादूगर, वो हार उसी के गले में है और उससे वो हार लेना असंभव है। तुम वहां मत जाना भरत, वरना अनर्थ हो जाएगा। मुझे वहां जाना ही होगा बाबा, वरना महाराज राजकुमारी का विवाह किसी और के साथ करा देंगे, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, क्योंकि मैं राजकुमारी जी से बहुत प्यार करता हूँ। आए हाय हाय,
आप बस मुझे वहां जाने का रास्ता बता दें। भरत बाबा से पता पूछकर अपने घोड़े पर सवार होकर उस हार की तलाश में निकल पड़ता है। कई दिन हो गए भटकते भटकते, पर कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा। जाऊं तो किधर जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और उधर राजकुमारी भरत के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आप तो हमेशा से वो हार पहनना चाहती थी राजकुमारी जी, और आप तो ये भी कहती थी कि उसी से शादी करूंगी जो मुझे वो कीमती हार लाकर देगा, तो अब आप इतनी चिंतित क्यों हैं? हाँ, मैं चाहती थी, लेकिन अब मैं भरत से प्रेम करने लगी हूँ। मुझे वो हार नहीं चाहिए, बस भरत सही सलामत वापस लौट आए। उधर भरत को चलते चलते रात हो गई थी। भरत एक सुनसान जगह पर पहुंचा। उस जगह पर बहुत सारी इंसानों जैसी दिखने वाली मूर्तियां थी। इससे पहले भरत आगे बढ़ता, एक खतरनाक बुढ़िया भरत का रास्ता रोक लेती है। क्या तुम भी उसी हार की तलाश में निकले हो? आपको कैसे पता माता जी, और आप अकेली इस वीरानी जगह में क्या कर रहे हो? ये जगह आपके लिए सुरक्षित नहीं है। तू वही है जो बरसों बाद सब बदलने वाला है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा माँ जी। अगर तुझे वो हार चाहिए तो तुझे मेरी पहेली का जवाब देना होगा। याद रहे, अगर जवाब गलत निकला और नहीं दे पाया तो तू भी इन बाकी लोगों की तरह पत्थर का बन जाएगा। बुढ़िया की बात सुनकर भरत घबरा जाता है। इसका मतलब ये सब पत्थर की मूर्त नहीं बल्कि इंसान है जो अब पत्थर बन चुके हैं। क्या इन्हें सही करने का कोई तरीका नहीं है? तरीका तो है, अगर तू उस हार को हासिल करने में कामयाब हो गया और इस जादू की नगरी से सही सलामत वापस लौट गया तो ये पत्थर बनी मूर्ति फिर से इंसान बन जाएगी। भूलना मत, ये सब वही लोग हैं जो इस हार की तलाश में आए थे। ठीक है, मैं इनको सही करने की कोशिश जरूर करूंगा। आप पहली पूछिए। ठीक है, फिर बताओ। चुपके से मैं आती हूँ, तुमको रोज सुलाती हूँ, आहट पाकर सूरज की जल्दी से भाग जाती हूँ। इसका जवाब तो बहुत आसान है, रात रात ही तो है। मैंने कहा था ना, सब बदलने वाला है। अचानक से वह बुढ़िया वहां से गायब हो जाती है और भरत को वहां पर एक बड़ी सी गुफा दिखाई देती है। अरे, ये दरवाजा पहले तो नहीं था। लगता है पहली सुलझाने के बाद सिमरन हो तक पहुंचने का रास्ता यही है। मैं यहीं से चलता हूँ। भरत उस दरवाजे को पार कर लेता है और वो एक नई जगह पर पहुंच जाता है। बहुत भूख लग रही है, खाने को भी कुछ नहीं है, और अभी मंजिल भी बहुत दूर है, और मेरे पास पीने के लिए भी ये दो घूंट पानी की ही है। इसे ही पी लेता हूँ, कुछ दूर तक चलने की ताकत तो आएगी ही। ये पानी मुझे दे दो भैया, बहुत प्यासा हूँ, कई दिनों से पानी नहीं पिया। अगर मैंने ये पानी इसे दे दिया तो मैं प्यास से मर जाऊँगा, और मुझे वो हार भी ढूंढना है। राजकुमारी मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी, और अगर ये पानी मैंने पी लिया तो ये बच्चा प्यास से मर जाएगा। क्या सोच रहे हो भैया, पानी दो ना। ठीक है, ये लो पानी, किसी को प्यासा रखकर मैं पानी कैसे पी सकता हूँ? सब बदलने वाला है, सब बदलने वाला है, तू इम्तिहान में पास हो गया, सब बदलने वाला है। इतना कहने के बाद वो बच्चा भी एक पल के अंदर गायब हो जाता है, जिसको देखने के बाद भरत चौंक जाता है। लेकिन फिर से भरत को एक दरवाजा नजर आता है। भरत जैसे ही उस दरवाजे के अंदर जाता है, भरत एक अंधेरी सी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। लगता है यही सिमरन हो की दुनिया है, पर यह तो बहुत ही अजीब है। चलो अंदर जाकर देखता हूँ।
जैसे ही भरत अंदर गया, सिमरन हु उसके सामने आकर खड़ी हो गई। सिमरन हु देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और उसके गले में वही हार था जो बहुत ज़्यादा चमक रहा था। आप ही सिमरन हु हो ना, आप मुझे ये हार दे दीजिए। ओ अच्छा, तो तुम ये हार लेने आए हो। वैसे बहुत बहादुर हो तुम, बहुत कम लोग थे जो मुझ तक पहुंच पाए, वरना बाकी तो सब रास्ते में ही मर गए। और जो बेचारे मुझ तक पहुंचे, वो बेचारे मेरे हाथों से मारे गए। भरत समझ गया था कि सिमरन हु इतनी आसानी से उसे हार नहीं देगी, इसीलिए उसे कुछ सोचना होगा। तभी सिमरन हु भरत के पास आकर भरत से बहुत मीठी आवाज में कहती है, वैसे आने के बाद मैं एक पल नहीं लगाती किसी की जान लेने में, लेकिन तुम इतने हसीन और अच्छे दिखते हो तो मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। ये तुम क्या कह रही हो, मैं राजकुमारी से प्यार करता हूँ और उसी के लिए मैं ये हार लेने आया हूँ। तुम ये हार मुझे दे दो, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम सिमरन हु से शादी करने से इनकार करोगे? जब तक तुम सिमरन हु से विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो जाते, तब तक तुम सिमरन हु की कैद में रहोगे। सिमरन हु भरत को अपनी उसी गुफा में कैद कर लेती है। समय ऐसे ही बीतता गया, ना तो भरत सिमरन हु से शादी करने के लिए राजी हुआ और ना ही भरत वहां से आजाद हुआ। और उधर राजकुमारी भरत के ना लौटने पर मायूस हो चुकी थी। तभी राजा ने राजकुमारी को बुलाकर कहा, हमने तुम्हारी जिद का मान रखा, लेकिन भरत ने हमारी दी हुई शर्त पूरी नहीं की, इसलिए अब तुम्हें राजकुमार कौशल से विवाह करना होगा। नहीं पिताजी, भरत जरूर वापस लौटेगा, ये हमारा दिल कहता है, हम किसी और से शादी नहीं कर सकते। हमने जो तय किया है वही होगा, राजकुमार कौशल से राजकुमारी की शादी की तैयारी शुरू करो। एक तरफ राजकुमारी की शादी की तैयारियां चल रही थी और दूसरी तरफ भरत सिमरन हु की कैद से अब तक आजाद नहीं हुआ था। उस दिन भी वो वहीं बैठा यही सोच रहा था, अगर मैंने बहुत जल्द कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो चुकी होगी, मेरी राजकुमारी जो मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। मुझे कुछ तो सोचना होगा, सिमरन हु से हार लेने का और यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई तो तरीका जरूर होगा। बहुत सोचने के बाद भरत ने एक तरकीब सोची। सिमरन हु जब भरत के पास आई तो भरत बोला, तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो ना, मैं उसके लिए तैयार हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? पर तुम अचानक से ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहीं तुम्हारी इसमें कोई चाल तो नहीं मुझे धोखा देने की? भरत अपने डर को छुपाते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, मैंने बहुत सोचा तब जाके ये फैसला लिया। तुम इतनी हसीन हो, इतनी ताकतवर हो, तो मैं तुम्हारे साथ रहकर दुनिया पर राज करूंगा। और वैसे भी तुम उस राजकुमारी से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो, और उससे भी बढ़कर बात यह है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। ये सुनकर सिमरन हु बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ठीक है, फिर हम आज रात को ही विवाह करेंगे, पर उससे पहले मुझे एक जरूरी काम करना है, तब तक तुम विवाह की तैयारी करो, अब से तुम आजाद हो। भरत रात होने का इंतजार करने लगता है और उधर सिमरन हु चुपके से कहीं जाने लगती है। भरत उसका पीछा करता है। सिमरन हु एक कमरे में पहुंच जाती है जहां एक शीशा रखा था। सिमरन हु उस शीशे में देखकर कहती है, कोई नहीं जानता कि मेरी जान इस शीशे में कैद है, पर एक दिन में एक बार मुझे जिंदा रहने के लिए इस शीशे में देखना पड़ता है। इतना कहकर सिमरन हु वहां से चली जाती है। वो शादी के मंडप पर जाकर भरत का इंतजार करने लगती है, लेकिन भरत उसी कमरे में जाकर उसी शीशे के पास जाता है। अच्छा, तो ये है उस जादूगरनी को मारने का राज, अब तो तू गई सिमरन हु। भरत उस शीशे को तोड़ देता है और शीशे के टूटते ही सिमरन हु गायब हो जाती है और हार उसके गले से निकलकर वहीं पर गिर जाता है। भरत उस मंडप पर जाता है और वो हार उठाकर महल की तरफ रवाना हो जाता है। लौटते वक्त उसे रास्ते में कोई भी अजीब चीज नहीं मिली। वो जैसे ही राजमहल पहुंचा, उसने देखा
कि राजकुमारी और राजकुमार कौशल की शादी होने वाली है। दोनों मंडप में बैठे थे, लेकिन जैसे ही राजकुमारी की नज़र भरत पर पड़ती है, राजकुमारी खुश हो जाती है। तुम सही सलामत वापस लौट आए भरत। हाँ राजकुमारी, मैं वो हार लेकर आ गया हूँ। मैंने महाराज की शर्त पूरी की। अब तुम्हें किसी और से विवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। भरत को वहाँ सही सलामत मौजूद देख राजा रानी और बाकी के सब लोग हैरान हो जाते हैं। अब राजा अपने वादे से मुकर नहीं सकता था। राजा अपने मन में कहता है, भरत ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। अब मुझे राजकुमारी की शादी इस लड़के से करानी ही पड़ेगी, पर अब मुझे वो करना होगा जो मैंने अभी तक नहीं किया, क्योंकि ये तो अपने असली माँ बाप को भी नहीं जानता। तभी राजा वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहता है, जैसा मैंने वादा किया था मैं जरूर निभाऊंगा। भरत ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। ये सच में मेरी बेटी का पति बनने योग्य है। ये सुनकर राजकुमारी और भरत दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों की शादी हो जाती है और भरत वो हार राजकुमारी के गले में पहना देता है। और जैसे ही पूरी तरह से राजकुमारी ने वो हार पहना, राजकुमारी के साथ वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ऐसा भी क्या हुआ राजकुमारी के साथ हार पहनते ही, जिसे देख सबके पांव तले जमीन खिसक गई। क्या जानना नहीं चाहोगे इस हार की पूरी कहानी, और कैसे बदलेगा भरत इस राज्य का भविष्य, और क्या करने वाला है राजा भरत के साथ, और क्या होगा जब भरत को अपने असली माँ बाप का पता चलेगा। अगर जानना चाहते हो इन सभी सवालों के जवाब, तो इसका अगला भाग जरूर देखिएगा।